सब्सक्राइब करें मेरे गवर्नमेंट जॉब सेंटर चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जितने भी सारे गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस चैनल का जरूर सपोर्ट कीजिए दोस्तों। जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरा चैनल गवर्नमेंट जॉब सेंटर के इस एक्साइटेड वीडियो में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सीआईएसएफ कॉन्स्टेबल 2019 में बम्फर भर्ती निकलने वाली है। लगभग दोस्तों 900 से पोस्ट भी ज़्यादा वैकेंसी निकलने वाली है और एक वो एक फेक न्यूज़ नहीं है। जैसे कि मेरे चैनल में बोलते हैं बहुत सारे मेरे फ्रेंड की, ये आप फेक दिखाते हैं, आप सही खबर नहीं दिखाते हैं। तो ये खबर स्पेशली आपके लिए दोस्तों। जैसे कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो आपकी जो इस बार जो वैकेंसी है डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फॉर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की ये वैकेंसी है दोस्तों। इसकी जो ऑनलाइन फॉर्म है वो अपडेट आई थी 21/9/2019, यानी इसकी जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होगी दोस्तों 30 तारीख यानी 23 सितंबर 2019 इसकी जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होगी वो 10 बजे से इसकी ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होगी दोस्तों। और एप्लीकेशन जो है उसकी जो वैकेंसी है ट्रेड्समैन की, जैसे कि बहुत सारे ट्रेड्समैन वैकेंसी है, इसके बारे में मैं संपूर्ण जानकारी देते थे। जैसे कि आप अपने नोटिफिकेशन में देख पाए, रिक्वायरमेंट ऑफ कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन CISF 2019 की ये वैकेंसी है दोस्तों। ये जो वैकेंसी है सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए, इसमें सिर्फ मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और फीमेल कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं दोस्तों। और उसके बाद है इसमें क्या क्या वैकेंसी होगी, कितनी वैकेंसी होगी इसके बारे में बताऊंगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पे, कुक की वैकेंसी होगी। उसके बाद जो वैकेंसी होगी वो है जो इस बार भी वैकेंसी वो है कोरबर की, बारबर की भी है, वाशरमैन की भी है, कारपेंटर की भी है, बहुत सारी वैकेंसी है दोस्तों कारपेंटर के बाद। उसमें स्वीपर की भी है, प्रिंटर भी की है, मेसन की भी है, प्लम्बर की भी है, माली भी है और बहुत सारे वैकेंसी इसमें है। जैसे इसके जो पोस्टिंग हुई जैसे सिविलियन एरिया में होती है, जैसे कि CISF के बड़े बड़े हेडक्वार्टर में इसकी पोस्टिंग होती है। तो बहुत सारी अच्छी जॉब है दोस्तों। इसकी अगर पूरी डिटेल के देखें तो इसमें जो आपको पोस्ट मिले कुक मिले 3315 यानी 315 पोस्ट मिले ESM के लिए। इसमें 35 पोस्ट है, इसमें टोटल कुक की पोस्ट होगी वो है 350 पोस्ट होगी। इसके बाद है कॉन्स्टेबल कोलवा, इसमें 12 पोस्ट है डायरेक्ट, 1 पोस्ट ESM के लिए, टोटल 13 है। वाशरमैन के बहुत सारे पोस्ट है, टोटल पोस्ट जो इसमें होने वाले हैं दोस्तों, जैसे कि आप अपने स्क्रीन में देख पा रहे हैं। अगर इसका PDF आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दूंगा, आप इसमें डाउनलोड कर इसमें आप देख सकते हैं। उसके बाद टोटल पोस्ट में इसमें जो टोटल पोस्ट होगी दोस्तों 921 पोस्ट में होगी। उसके बाद टोटल सब मिलाकर इतना होगा दोस्तों 914। उसके बाद अगर दूसरी पेज की बात करें तो ये इसमें कितने कितने किसकी वैकेंसी होगी इसमें बता रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें जो कैटेगरी है अदर जनरल के लिए होगा 15 पोस्ट, नॉर्दर्न सेक्टर के लिए और अलग अलग सेक्टर के लिए। अगर इसमें अच्छे से देखना चाहते हैं तो मैं इसका PDF आपको लिंक पर दे लूँगा, आप डाउनलोड कर भी सकते हैं दोस्तों। उसके बाद बहुत सारे कैटेगरी इसमें आपकी वैकेंसी और निकलने वाले टोटल वैकेंसी। इसके बाद देखेंगे तो इसमें कैसे ऑनलाइन करेंगे तो इसकी ऑनलाइन फॉर्म इस सर जब स्टार्टिंग है तो इसकी कैसे ऑनलाइन करते हैं इसका वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। तो मेरे इस चैनल पर सपोर्ट बनाए रखिएगा, जरूर सब्सक्राइब करें ना दोस्तों ये भी नया है। और इसमें जो क्या क्या सारे टेस्ट फेस है इसके बारे में सब बताऊंगा दोस्तों। और जैसे कि आपने मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे इसकी जो ऑनलाइन होगी वो होगा CISF recruitment.in पर इसकी ऑनलाइन फॉर्म होगी। और पहले जो इसकी होगी दोस्तों PET PST का रिटन एग्जाम पहले नहीं होगा, PET PST डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टेस्ट होगा। उसके बाद जो आपका होगा वो रिटन एग्जाम होगा और डिटेल्स मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद देखो तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें जो इसके में जो आपको जो योग्यता होगी दोस्तों मैट्रिक, अगर आप मैट्रिक पास किए तो इसको जरूर अप्लाई कर सकते हैं
स्किल ट्रेसन बार्बर बुक मार्कर कुक कारपेंटर इलेक्ट्रिशियन मसीली माली प्लम्बर एंड वाशरमैन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सब जैसे कि आप देख पा रहे हैं सब इसमें होगा। उसके बाद इसमें सिर्फ 10वीं इस सर्टिफिकेट है। कोई भी बोर्ड से हो, CBSE CSSC कोई भी इंडिया के रिकग्नाइज बोर्ड से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप अगर मेट्रिक यानी 10वीं पास हो तो। इसकी जो एज रजिस्ट्रेशन बात करें SC ST के लिए लगभग फाइव ईयर SC ST के लिए, और जो बैकवर्ड कास्ट यानी OBC के लिए 3 ईयर के आरक्षण है। GNK के लिए इसके जो आरक्षण है इसमें आप देख सकते हैं। और गुजरात में दंगे हो उसके भी बहुत सारे आरक्षण है। इसमें जो आपकी हाइट होगी दोस्तों SC ST अदर कैंडिडेट SC और OBC के लिए हाइट 170 सेंटीमीटर और चेस्ट होनी चाहिए 80 सेंटीमीटर, फुलाकर 85 सेंटीमीटर आपकी होनी चाहिए। और कैंडिडेट जो बिलोंग करते हैं गोरखा डोगरास मराठा सिख त्रिपुरा और आसाम के स्टेट से, नॉर्थ इंडियन स्टेट से जो बिलोंग करते हैं कैंडिडेट, इसकी जो हाइट होने वाली है दोस्तों 165 सेंटीमीटर होने वाली है और मिनिमम जो चेस्ट है 78 होने चाहिए, बिना फुलाया फुलाकर 78 से लेकर 83 तक होनी चाहिए। एक कैंडिडेट टू ST कैंडिडेट की जो हाइट होगी इसमें 162 सेंटीमीटर होगी और मिनिमम आपकी जो चेस्ट होनी चाहिए 76 से लेकर 81 तक उनका चेस्ट होना चाहिए दोस्तों, तो उसमें आप क्वालिफाई कर सकते हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन बात करें तो जैसे कि आपका SSC GT का मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, इस तरह से इसका भी मेडिकल एग्जामिनेशन होता है दोस्तों। वेट की बात करें तो ये आपकी शारीरिक गठन से मौजूद होना चाहिए। ये तो महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए दोस्तों। अगर मेरा इस चैनल की इस वीडियो से अगर आपको इंस्पिरेशन मिलती है तो ज़रूर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप बेल आइकन नहीं दबाए तो आपकी वीडियो नहीं पहुंच पाई, इसीलिए आपकी बेल आइकन भी दबाए रखिए, क्योंकि ऐसे ऐसे गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वीडियो में डालता रहता हूँ। और कमेंट भी कीजिएगा कि मैं अगली वीडियो किस टॉपिक के ऊपर बताऊँ, तो दोस्तों कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं बेल आइकन दबाते हैं और मेरे इस चैनल को डेली वॉच करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है एक नया वीडियो बनाने के लिए आपके लिए। तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। तब तक के लिए अगले वीडियो के लिए जय हिंद जय भारत।